सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो हाँ देखो, मुझे पता है कि तुम इस वीडियो का सेकंड पार्ट का इंतजार कर रहे हो, वो आएगा लेकिन थोड़ी सी लेट, मतलब कि इस वीडियो के बाद, क्योंकि देखो अभी हाई पे स्पाइडरमैन की और मैं काफी टाइम बाद आया हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना नई शुरुआत स्पाइडरमैन के साथ की जाए। हाँ, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन की लव लाइफ के बारे में, क्योंकि देखो मुझे तुम्हें और सबको पता है कि मार्वल का सबसे बड़ा प्लेबॉय है आयरन मैन और उससे छोटा वाला है हमारा स्पाइडरमैन। तो चलो यार, फटक से कानों में डालो एयरफोन और वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा हरामी लोंडा है कॉमिक में। तो देखो यार, स्पाइडरमैन की पहली गर्लफ्रेंड है बारबरा, जिसे कि हम होकाई की एक्स वाइफ भी बोल सकते हैं कॉमिक्स में। अब देखो यार, होकाई की पसंद है तो लाजवाब। तो देखो होता यह है कि जो हमारे निक फ्यूरी है वो बारबरा को और स्पाइडरमैन को दोनों को साथ में एक मिशन में पहुंचाते हैं, लेकिन उनके पास कुछ काम ना होने के कारण वो दोनों बोर हो रहे होते हैं और उनके पास मोबाइल या टीवी होता नहीं है, तो वो दोनों वहां पर चल्लू हो जाते हैं, मतलब कि अपना टाइम पास करने लगते हैं। ये तो प्रॉपर गर्लफ्रेंड भी नहीं थी शायद उसकी। तो चलो यार, चलते हैं अब अगले नंबर पर। अगला नाम है पेटी ब्रेड, सॉरी ब्रेंट, हाँ वही नेट की गर्लफ्रेंड। तो देखो दरअसल इस कॉमिक में होता क्या है कि ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। तो अपना स्पाइडरमैन उसके रोज के काम करता है, जैसे कि खुद की फोटो लेकर किसी न्यूज चैनल में बेचना, और उसी वाले न्यूज चैनल में पेटी ब्रेड भी काम किया करती थी, तो हो गया इनमें लव। पेटी ने फिर बाद में स्पाइडरमैन को छोड़कर नेट से शादी कर ली। लेकिन हाँ, मैंने जब मूवी में नेट और पेटी को साथ देखा था तो मैं सोचा था काश ये और स्पाइडरमैन दोनों एक साथ होते, लेकिन वो हो चुका है पहले ही कॉमिक्स में। तो देखो यार, अगले नंबर पर जो आने वाली है उसका नाम सुनकर तुम्हारा दिल टूट जाएगा, लेकिन क्या करें, मुझे मेरा घर भी चलाना है इसलिए नाम तो बताना ही पड़ेगा। तो देखो अपने पीटर पार्कर की अगली सेटिंग है कैप्टन मार्वल। हाँ यार, इतना खूबसूरत हाँ यार, जो भी हो कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है। अब देखो हुआ ये था कॉमिक्स में कि उस टाइम पर ना कैप्टन मार्वल ने अपनी पावर्स खो दी थी, तो ऐसे ही गलियों में अपनी पावर के बारे में थोड़ा जानने जाती है कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन तभी उसे वहाँ स्पाइडरमैन मिल जाता है, जो कि उसे कुछ गुंडों के साथ पकड़ लेता है। लेकिन फिर बाद में कैप्टन मार्वल उससे बोलती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी मेरी पावर्स ढूंढने के लिए। तो स्पाइडरमैन हाँ बोल देता है, लेकिन वो ठहरा ठरकी तो उससे सीधा सीधा बोल देता है कि हम तुम्हारी मदद तभी करेंगे जब तुम हमारे साथ डेट पर चलोगी। तो कैप्टन मार्वल भी उस टाइम पर हाँ कर देती है, क्योंकि जरूरत के टाइम पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। और फिर जैसे ही कैप्टन मार्वल को उसकी पावर मिलती है, कैप्टन मार्वल उसकी गांड पे लात देकर उसे बाहर निकाल देती है। देखो अपने पीटर पार्कर की अगली गर्लफ्रेंड है ब्लैक कैट। तो देखो कॉमिक्स में ये दोनों जब मिलते हैं, जब मेरी जेन से पीटर पार्कर का ब्रेकअप हो जाता है और ब्लैक कैट को वैसे ही स्पाइडरमैन पे क्रश होता है, तो वो दोनों चालू हो जाते हैं। लेकिन यार ये सब कुछ ज्यादा चला नहीं, क्योंकि जैसे ही पर्दा हटा तो ब्लैक कैट को दिखा ये तो छोटा सा है, मतलब गलत मत समझो, जैसे ही पीटर पार्कर ने उसका मास्क हटाया तो पीटर पार्कर एक बच्चा निकला, लेकिन ब्लैक कैट को चाहिए था हरा भरा मर्द, तो ब्लैक कैट ने भी उसे लात देकर बाहर निकाल दिया उसकी लव लाइफ से। देखो अपने पीटर पार्कर की जो अगली गर्लफ्रेंड है वो है सिल्क। अब ये कौन है देखो वो मैं तुमको बताता हूँ। तो देखो एक दूसरे यूनिवर्स में जिस रेडियोएक्टिव स्पाइडर ने पीटर पार्कर को काटा था, उसी स्पाइडर ने सिल्क को भी काट लिया था, जिसकी वजह से सिल्क को भी पावर मिली। लेकिन एक ही स्पाइडर से कटवाने के बाद दोनों जब भी एक दूसरे के आमने सामने आते थे तो उन्हें पता नहीं एक अजीब सी अट्रैक्शन होती थी, और उसी अट्रैक्शन के कारण वो दोनों बहुत ज्यादा फिजिकल होते हैं, मतलब कि यार बहुत ही ज्यादा। तो हाँ देखो, ये तो थी अपने स्पाइडरमैन की लव लाइफ। और हाँ, इस वीडियो को अच्छा सा सपोर्ट कर दो, क्योंकि मुझे उस वीडियो का सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द लाना है, बहुत लोगों के कमेंट आए हैं यार। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।